नमस्कार कक्षा तृतीय के लिए अवधन। आज की कक्षा में हम पाठ पंछी कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। पंछी कविता के अंतर्गत कवि पंछी के बारे में हमें समझा रहा है और बता रहा है। आइए हम इसके अर्थ को समझें और सुने ध्यान देकर। नील गगन में पंछी उड़ते, नील गगन में पंछी उड़ते, पंख खोल कर उड़ते जाते, नीले नभ के आर पार वो स्नेह प्रेम के गीत सुनाते। कहने का मतलब ये है कि ये जो पंछी है, यानी ये जो पक्षी है जो सुबह में जगते हैं, वो आसमान में इधर से उधर उड़ते रहते हैं और अपनी पंखों को खोलकर बड़ी ही तीव्र गति से आर पार वो उड़ते जाते हैं और अपनी चहचहाहट से हमें मधुर और स्नेह भरा संगीत भी सुनाते हैं। दूसरी पंक्ति में कवि ये बता रहा है कि पूरब में लाली छा जाती, यानी पूरब में लाली छा जाती, मंद मंद किरणें मुस्काती, नील नील पंछी जग जाते, हमें जगाते गीत सुनाते। इसमें कवि यह बता रहा है कि पूरब में जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के निकलने के कारण चारों तरफ लालिमा छा जाती है और ऐसा लगता है कि सूर्य की निकलते हुए मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं और उसके निकलते ही नील नील अर्थात घोंस प्रत्येक घोंसलों से पंछी जग जाते हैं और जगने के बाद वो हमें अपनी चहचहाहटों से गीत सुनाते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जो आवाज है वो हमें जगा रही है, अपनी चहचहाहट की आवाज जो गीत की तरह है उसके द्वारा हमें उठने को प्रेरित कर रही है, जगने के लिए कह रही है। तीसरी पंक्ति में कवि बताता है कि काली काली कोयल गाए, वर वसंत का राग सुनाए, पर्वत पर बादल मंडराता, गरज गरज कर हमें डराता। अर्थात कि काली काली जो कोयल है वो अमराई अर्थात आम के बगीचों में अपनी कू कू की आवाज से दिशाओं को गुंजायमान कर रखी है और ऐसा लग रहा है कि वसंत का जो आगमन का संदेश वो हमें दे रही है, अपने आवाज से वसंत के आने का संदेश बता रही है, दे रही है। साथ ही पर्वत पर बादल मंडराता, गरज गरज कर हमें डराता। अभी आपने देखा कि अमराई में कोयल बसंत ऋतु के आगमन का संदेश दे रही है और पूरे अमराई में मंजर छाए हुए हैं, प्रत्येक पात पात पर हर पत्ते में लग रहा है, मंजर निकलने से पत्ते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, चारों तरफ मंजर ही छाए हुए हैं और उसके सुगंध पूरे वातावरण में महक रही है। फिर कवि बताता है अगली कड़ी में कि पर्वत पर बादल मंडराता, गरज गरज कर हमें डराता। अर्थात पहाड़ों के ऊपर काले काले बादल घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं और उनकी जो आवाज है, उनकी जो बिजली चमकने की कड़कड़ाहट है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें डरा रही है। ये तो हमें डरा रही है बादल, लेकिन उस बादल को देखकर मोर जो है वो नृत्य के लिए उतावले हो रहे हैं। अगली पंक्ति में कवि बताता है कि मधुवन में तो मोर सुहाते, पंख खोल कर नाच दिखाते। मधुबन ब्रज की भूमि जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाओं को किया था, गायों को ग्वाल बालों के साथ चराया था,
गोपियों के साथ रास रचाई थी। उस मधुबन में मोरों के झुंड अपने पंख खोलकर बादलों को देखकर खुशी में झूम रहे हैं और नाच रहे हैं तथा हमें हर्षित कर रहे हैं, हमारे मन को प्रभावित कर रहे हैं और खुशियां प्रदान कर रहे हैं। ये अर्थ आपके इस पंछी कविता का है, जिसे आप याद करें और कविता को ध्यान से पढ़ेंगे भी। नमस्कार, धन्यवाद।